दोस्तों साल 2022 में जब एलोन मस्क अपनी टेस्ला को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे थे तब गवर्नमेंट ने टेस्ला कार्स पर पूरा 100% टैक्स लगा दिया था क्योंकि ये टेस्ला कार मैन्युफैक्चर हो रही थी चाइना में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी टेस्ला अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली इंडिया में करे और हुआ भी वही जो इंडिया चाहता था। ये 2023 की रिपोर्ट है। टेस्ला इंडिया में जल्द अपना प्लांट बनाएगी और अपनी कार्स को इंडियन मार्केट में उनके लोवेस्ट प्राइस से भी 25% कम में सेल करेगी। दोस्तों ये पावर है इंडियन मार्केट की और गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया स्कीम की। दोस्तों मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया किस तरह भारत की इमेज को ग्लोबली चेंज कर रहे हैं आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के बीच के डिफरेंस के बारे में। दोस्तों मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका प्योर मोटिव था भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो दुनिया भर की बड़ी कंपनी की फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को इंडिया में एस्टेब्लिश करना जिससे भारत का इम्पोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और मेड इन इंडिया के अंडर भारत अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डिजाइन और इंडस्ट्रीज का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाता है जिसमें लैंड लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी सब इंडिया की होती है और बाद में उन्हें इंडिया बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आज की हमारी वंदे भारत ट्रेन जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया ट्रेन है। इसको पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और जल्द भारत इसको यूरोप और ईस्टर्न एशिया के साथ साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों ही इस देश में जॉब क्रिएशन का भी काम करते हैं जिससे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट पर काबू पाया जा सके। अब इसका इफेक्ट ये हुआ जहां साल 2014 में भारत का FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी विदेशी कंपनी का भारत में इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन था, वही 2022 और 23 में बढ़ के अराउंड $83 बिलियन हो गया है। डेटा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जल्द भारत $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट विदेशों से अट्रैक्ट करने वाला है। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले की डिमांड को देखते हुए भारत ने 10 बिलियन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। 2017 में वर्ल्ड बैंक ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक जहां 100वें नंबर पे रखी थी वही अब 2023 में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 10th नंबर पे आती है और ये अपने आप में इंडिया के लिए भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के पीछे गवर्नमेंट के भारतमाला सागरमाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इंडस्ट्रीज कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का बड़ा हाथ है। जहां 2014-15 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट 6.9% थी वही 2022 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ अराउंड 11.4% हो गई है। मेक इन इंडिया की सक्सेस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमें किया कार्स का देखने को मिलता है। जब अप्रैल 2017 में किया ने अनाउंस किया था कि वो मेक इन इंडिया के अंडर अराउंड $1.1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी इंडियन मार्केट में अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में जिसका प्लांट मार्च 2019 में आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो गया था और इस प्लांट में काम करने के लिए किया ने अराउंड 3000 एम्प्लॉइज को हायर किया था। लेकिन इंडियन मार्केट में किया की सक्सेस के बाद किया ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और 10000 से ज्यादा जॉब क्रिएट किए। किया की इंडियन मार्केट में सक्सेस के बाद वर्ल्ड की काफी मेजर ऑटोमोबाइल कंपनी ने $बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इंडियन मार्केट में। दोस्तों मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की झलक हमें सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर तक नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिलती है। भारत पहले जहां अपने डिफेंस पर दूसरे देशों पे पूरी तरह डिपेंड हुआ करता था आज भारत दूसरे देशों को डिफेंस के लिए मिसाइल और हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट कर रहा है। रूस ने मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के साथ मिलकर काफी सारे डिफेंस मिसाइल और हेलीकॉप्टर बनाए हैं। साथ ही DRDO ने नाग मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ASAT मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और काफी डिफेंस गन और बम डेवलप किए हैं और ये लिस्ट है एक्चुअल में इतनी लॉन्ग है इस पर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। आज भारत भारी मात्रा में डिफेंस वेपन दूसरी कंट्री को सप्लाई कर रहा है जिसमें वर्ल्ड फेमस भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल है जो 50.5% इंडियन और 49.5% रूस का जॉइंट वेंचर है। इंडिया ने 2022 और 23 में 16000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है जो कि 2013 और 14 में केवल 686 करोड़ था। दोस्तों बात अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की करें तो आईफोन 15 को भी मेक इन इंडिया के तहत ही तमिलनाडु में असेंबल किया जाएगा और ना सिर्फ एप्पल का आईफोन बल्कि आज दुनिया की बड़ी कंपनी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही अपने फोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करा रही है। दोस्तों बात मेड इन इंडिया की करें तो भारत की वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह मेड इन इंडिया ट्रेन है। साथ ही भारत आज बड़े स्केल पर मेड इन इंडिया मेट्रो भी बना रहा है जिनको मुंबई और पुणे में चलाया गया है। साथ ही भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है। मेड इन इंडिया के तहत भारत स्पेस में अपनी एक विशेष जगह बना चुका है। आज इसरो के स्पेस मिशन को कौन नहीं जानता, इसमें मंगलयान,
चांद, चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे बड़े मेड इन इंडिया मिशन शामिल है। मेड इन इंडिया UPI सिस्टम आज वर्ल्ड में अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब हुआ है, जिसको फ्रांस, सिंगापुर, सऊदी अरब जैसी कंट्री ने अडॉप्ट किया है। आज मेड इन इंडिया TVS बाइक ने अफ्रीका से चाइनीज कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज इंडिया में ऑलमोस्ट हमारी डेली यूज की सभी चीजों में मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव मौजूद है। दोस्तों, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया ही सबसे इम्पोर्टेंट वे है भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने का और इंडिया का डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन बनने का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो प्लीज हमारी इंफ्राटॉक की फैमिली को अभी आप ज्वाइन करें सब्सक्राइब बटन को दबा के।